इसलिए आप अंगीठी के ओनर बात कर रहे हैं, गर्ल जी बात कर रहा हूँ, तो क्या आपके बंदे ने मेरी गाड़ी मार दी है? What are the other challenges, everyday challenges, tell me about that. पूरा एक बेसिकली मॉब था, दे अटैक्ड आवर रेस्टोरेंट, इट वेंट वायरल ऑल ओवर द न्यूज चैनल, देन यूएस, सऊदीया, मुझे हर जगह से कॉल आ रही थी विद इन एन आवर्स. Tell me about failure. एक चाइनीज रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट था, दैट फेल्ड टेरिबली. आपने कहा मेरी बड़ी ट्रस्टवर्दी टीम है, शेफ्स भी मेरे बड़े पुराने हैं, व्हाट इफ दे रिजाइन, व्हाट इफ वो शेफ्स ना हो? एक छोटा सा ढाबा था मलाई मार के, यू टोल्ड मी दैट सबवे फ्रेंचाइजिंग से आपने काफी कुछ सीखा. एग्जैक्टली, सबवे में उनका एक प्रोसेस है, गिव अ फ्रेंचाइज टू एनीवन, यू हैव टू क्लियर एन एग्जाम, उसके लिए 10-15 दिन की ट्रेनिंग होती है. तो खैर हमने फिर बंद कर दिया, स्टाफ को हमने छुट्टियों पे भेज दिया, अपने गाँव चले गए. गेम चेंजर जो मैं समझता हूँ था, वो हमने अपने रोल्स इंट्रोड्यूस करवाए. चैलेंज आए आपको उसको फेस करना है, उसमें से अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, दैट इज व्हाट द रियल हसल इज. अस्सलाम वालेकुम मोहसिन, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक, आप बताएं. थैंक यू सो मच फॉर होस्टिंग अस एट अंगीठी. थैंक यू फॉर हैविंग अस एट हसल, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड. सो हाउ डिड द जर्नी स्टार्ट? एज यू सेड, इट्स बीन 8 years. तो पहले हमारा बेसिकली अंगीठी से पहले का मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ कि हमने स्टार्ट किया था, एक छोटा सा ढाबा था मलाई मार के, वहाँ से बेसिकली वेयर आई स्टेप्ड इनटू द फूड इंडस्ट्री. फिर वो तो समझे एक साल का ही वेंचर था, लेकिन फ्रॉम देयर आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गेट इनटू द कैफेटेरिया और कैंटीन वाला जो साइड है ऑफ द फूड इंडस्ट्री. तो वो पहले तो, और वो आपने अकेले किया? वो मैंने अकेले किया था, माई एल्डर ब्रदर वॉज विद मी, हम दोनों ने मिलके वो किया था. उसमें समझे स्टार्ट हुआ, वहाँ से फिर सबवे का भी एक समझे इसमें वो था, रोल था. तो इस तरह से अंगीठी स्टार्ट हुआ था. हमने पहले कैंटीन्स काफ़ी ऑपरेट की वहाँ पे. राइट आफ्टर योर कॉलेज यू स्टार्टेड वर्किंग फॉर कैंटीन्स, राइट? राइट आफ्टर माय कॉलेज बेसिकली आई गॉट अ जॉब एट वन ऑफ द लीडिंग जीन्स मैन्युफैक्चरर. वहाँ पे मैंने 2 साल काम किया, लेकिन कुछ अपना करना था, बिजनेस साइड पे मेरा शौक था शुरू से. माय फादर हैज हिज होम बिजनेस, हमारा बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग कार्टन का बिजनेस है, तो कॉरोगेटेड बॉक्सेस. वहाँ पे भी थोड़ा सा मैंने टाइम स्पेंड किया, लेकिन था कि अपना कुछ करना है और यू नो मलाई मार के उसके बाद स्टार्ट किया. एग्जैक्टली, वहाँ से समझे एक छोटा सा ढाबा स्टार्ट किया था हमने, चाय वाला. अच्छा. वहाँ से कैंटीन आई, ठीक है. कैफेटेरिया में फिर हमारे पास समझे टाइम होता था, आफ्टर 5 PM स्कूल बंद हो जाता था. तो मैंने सोचा कि कुछ किया जाए, क्योंकि रिसोर्सेज हैं, सारी टीम मेरे पास अवेलेबल थी, स्टाफ मेरे साथ काफ़ी पुराना था. तो वहाँ से मुझे आइडिया क्लिक किया था. कैफे वाला सेटअप कब से शुरू किया, मतलब कहाँ से आया आइडिया? हाँ, ये बेसिकली देखें, सीडर कॉलेज है, उसके डायरेक्टर्स ने मुझे अप्रोच किया था. दे रियली लाइक माय ढाबे वाला आइडिया, तो दे वांटेड सिमिलर आइडिया टू बी इम्प्लीमेंटेड एट देयर कॉलेज. तो वहाँ पे समझे हमने कैंटीन्स का पूरा एक कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया था. तो हमने लाइव कुकिंग स्टार्ट की विद अ फुल फ्लेज मेन्यू, लाइव बर्गर, सैंडविचेस, बारबेक्यू, एवरीथिंग वॉज मेड लाइव. तो वो एक स्टूडेंट्स के लिए बड़ा एक वाव फैक्टर होता था, क्योंकि पहले होता था कि यार सुबह में चीज़ें आ रही हैं, वही माइक्रो में गर्म करके दे रहे हैं. हाँ. तो वो एक ट्रेंड हमने चेंज कर दिया था. तो लाइव किचन, उसके बाद फिर समझे हमने इवेंचुअली चाइनीज का मेरा पहले प्लान बना था, क्योंकि कैंटीन्स का बेसिकली काम इस तरह का होता है कि 8 महीने का काम होता है. तो आपको मे ऑनवर्ड एग्जाम्स आ जाते हैं, तो छुट्टियाँ आ जाती हैं. तो मुझे था कि कुछ इसके अलावा भी हो, अब ऑलरेडी फूड बिजनेस में मैं घुस चुका था. तो मेरे अभी जो पार्टनर्स हैं अंगीठी में, मुदस्सिर एंड फरहान, तो दे वर ऑलरेडी ऑपरेटिंग सबवे फ्रेंचाइजेस. तो मुझे उस वक्त क्लिक किया कि हमें व्हाई नॉट एक चाइनीज रेस्टोरेंट हम लोग खोलते हैं. उस वक्त मैं फील करता था एक मार्केट में गैप है. हाउ डिड यू मीट देम?
दे आर माई चाइल्ड हुड फ्रेंड्स, मतलब वी आर बेस्ट फ्रेंड्स सिंस चाइल्ड हुड, हम लोगों ने यूनिवर्सिटी साथ की और समझें वी आर लाइक फैमिली नाउ। उनके साथ सबवे फ्रेंचाइजिंग में, सबवे हमारा सबवे भी चल रहा था, उसके बाद फिर हमें चाइनीज पे हमने थोड़ी सी वर्किंग की फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स, हमने एक शेफ हायर किया, हमारे पास प्लेटफॉर्म था कॉलेज का, मतलब वी आर ग्रेटफुल टू सीडर कॉलेज एज वेल, दे हेल्प्ड अस लॉट, और मतलब हमने वहाँ पे स्टूडेंट्स में ही सैम्पलिंग स्टार्ट कर दी चाइनीज की। तो समहाउ एक दो महीने बाद हमें रियलाइज हुआ कि यार चाइनीज थोड़ी सी रिस्की मार्केट है, और हमें पर्सनली इतनी नॉलेज भी उसकी नहीं थी, तो वो आइडिया ड्रॉप हो गया। थिंग्स वेंट ऑन, हमारा सबवे चल रहा था, कैफेटेरियाज चल रहे थे, फिर आई गॉट मैरिड, फिर मेरा एक डिनर हुआ था बेसिकली वहाँ पे, शादी के बाद जैसे डिनर्स होते हैं, तो वहाँ पे मैं गया एक देसी, आई वोंट नेम दैट रेस्टोरेंट, लेकिन वहाँ पे जाके मुझे रियलाइज हुआ कि यार हम लोग भी इससे काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि मैन पावर है प्लस हमारे पास समझे ऑलरेडी एक्सपीरियंस है किचन साइड का, रिटेल का भी कुछ एक्सपीरियंस था सबवे के थ्रू। तो दैट इज़ हाउ द आइडिया ऑफ अंगीठी इनकॉर्पोरेटेड, और फिर रेस्ट इज द जर्नी। You told me that Subway franchising से आपने काफी कुछ सीखा, and you बिल्कुल also Subway, went for the course. Exactly. Subway में उनका एक प्रोसेस है, बड़ा स्ट्रिक्ट प्रोसेस है टू गिव अ फ्रेंचाइज टू एनीवन। यू हैव टू क्लियर एन एग्जाम, उसके लिए कोई मेरा ख्याल 10-15 दिन की ट्रेनिंग होती है। तो माय पार्टनर्स मुदस्सिर एंड फरहान वेंट टू दुबई फॉर दैट, दे गॉट द ट्रेनिंग फ्रॉम वन ऑफ द लोकल फ्रेंचाइजेज दुबई में ही जो थी, वहाँ पे उन्होंने सारा प्रोसेस समझा सीखा, सारी समझे फ्रॉम टोस्टिंग टू मेकिंग अ सैंडविच, कैशियर, क्लीनिंग द स्टोर, एवरीथिंग वॉज डन बाई देम। तो फिर एग्जाम क्लियर किया, दैट इज़ हाउ द सबवे बेसिकली फाइनली गेव अस द फ्रेंचाइज। तो अभी वी हैव टू फ्रेंचाइजेज ऑफ सबवे, वन एट मेन इतिहाद DHA एंड द अदर वन इज एट मलीर कैंट। तो और अंगीठी में 3 साल हो गए आप? हाँ, अंगीठी बेसिकली समझे फेब 2020 में हमारी ओपनिंग हुई थी। और इनिशियल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उस वक्त चीज़ें इतनी महंगी नहीं थी जितनी आज हैं, बैक समझे 3-4 साल पहले, और वो एक छोटी जगह थी इन टर्म्स ऑफ कवर्ड एरिया। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट वॉज अराउंड समझे अराउंड 20 मिलियन, आई वुड से 20 to 25 मिलियन। फॉर अ प्लेस लाइक टीपू आई थिंक यू विल हैव टू डबल दैट अमाउंट, बिकॉज द कवर्ड एरिया, द सीटिंग कैपेसिटी एट DHA ब्रांच, शहबाज ब्रांच, वी हैव द कैपेसिटी ऑफ अराउंड 50 person। और यहाँ पे कैपेसिटी है अराउंड 90 to 100। और अभी हमारी इंशाल्लाह तीसरी ब्रांच विल बी रेडी बाय नेक्स्ट मंथ नॉर्थ नाजमाबाद में, देयर इज अ मॉल कॉल्ड नॉर्थ वॉक, तो वहाँ पे रूफ टॉप पे हमारी तीसरी ब्रांच बन रही है। इट्स गोना बी मच बिगर, मच स्पेशियस, अराउंड 140 to 150 सीटर्स इंशाल्लाह। अमेजिंग, अमेजिंग। सो 3 साल में एक तो बहुत ही अच्छी सक्सेस मिली है, उसके रीजंस भी जानना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले जानना चाहूँगी इनिशियल चैलेंजेस क्या थे, एज फार एज आई रिमेम्बर आपने कोविड के टाइम से स्टार्ट किया था। बिल्कुल, हमने तो समझे एक बड़ी मेहनत करके समझे 4-5 महीने की हमारी पूरी स्टार्टिंग फ्रॉम नाम कैसे रखना है, क्या रखना है, वहाँ से लेकर हायरिंग ऑफ स्टाफ, क्या मेन्यू रखना है, बहुत समझे हमने इसमें मेहनत की थी 4-5 महीने। फिर ओपनिंग के वक्त हमने एक मार्केटिंग बजट रखा था, आपके गेस्ट भी रह चुके हैं जुनेद अकरम, वो भी हमारे ओपनिंग के टाइम पे, उनको हमने इनवाइट किया था, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस था। इनिशियली हमारा प्लान ये था कि समझे 5-6 महीने या साल हम सिर्फ एक डाइन इन मॉडल पे चलेंगे, ठीक है, एक्सक्लूसिव फाइन डाइन देसी सर्विंग सर्व करेंगे। तो और खोलते साथ कोविड हो गया, समझे विद इन 15 डेज या 20 डेज कोविड आ गया,
उस वक्त हमें पता ही नहीं था कोविड क्या है, किस तरह होगा, तो सीधा गवर्नमेंट ने, स्पेशली सिंध गवर्नमेंट ने रेस्टोरेंट्स को स्ट्रेट अवे बंद कर दिया था। तो हमें तो बिल्कुल चांस ही नहीं मिला कुछ सोचने का या कुछ करने का। तो खैर हमने फिर बंद कर दिया, स्टाफ को हमने छुट्टियों पे भेज दिया, अपने गांव चले गए। तो क्योंकि वो यहाँ रहते हैं तो उनका एक एक्सपेंस मज़ीद बढ़ता रहता है। सही है। तो वो उन्होंने भी प्रेफर किया कि हम गांव चले जाएं। कोविड से ऐसा माहौल बन गया था ओवरऑल। या वी पेड द सैलरी, मतलब ये समझे एक बड़ा एक पर्सनल वो था, एथिक्स पे आता है कि आप देना चाहें। हमने प्रेफर किया कि हम दें, और आज शायद इसी वजह से वो हमारा जो कोर स्टाफ है वो हमारे साथ है आज तक। मतलब अच्छे टाइम बुरे टाइम वो हमारे साथ होते हैं। तो कितने महीनों के बाद ऑपरेट करना शुरू किया था? 10-12 महीने तो लगे होंगे कोविड के। हाँ नहीं, बेसिकली देखिए कोविड आया, उसके बाद हमने 1.5 महीने के लिए कंप्लीट बंद हो गया था। फिर सिंध गवर्नमेंट ने पंजाब को देखा देखी डिलीवरी स्टार्ट कर दी थी, डिलीवरी एंड टेक अवे। तो फिर हमने बिल्कुल समझे अपनी पूरी स्ट्रेटजी जो हमने फाइन डाइनिंग सोचा था उसको एक डिलीवरी मॉडल पे मूव किया हमने। ब्रांड नया था तो बिल्कुल नया ब्रांड था समझे, लोगों को पता भी नहीं था, हमारे सिर्फ फ्रेंड्स एंड फैमिली को पता था। या एक हमें एडवांटेज ये भी था लोकेशन का कि मेन शहबाज पे थी, तो वो DHA की काफ़ी एक मेन रोड है, तो वहाँ से काफ़ी ट्रैफिक फ्लो रहता है, तो लोगों को पता था कि कुछ खुला है, लेकिन क्या खुला है लोगों ने ट्राई नहीं किया था, अभी तक इतना टाइम ही नहीं मिला था हमें। तो फिर कैसे फिर हमने समझे स्टार्ट किया, हमारे हम तीन पार्टनर्स हैं, हम तीनों ने म्यूचुअली डिसाइड किया यार खोलते हैं, कम स्टाफ को बुलाते हैं क्योंकि डाइनिंग तो चलना नहीं है। तो हमने कम स्टाफ, मेन्यू चेंजेस किए, मेन्यू में हमने गेम चेंजर जो मैं समझता हूँ था वो हमने अपने रोल्स इंट्रोड्यूस करवाए। रोल्स हमारे इनिशियली एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट में रोल्स लोग प्रेफर नहीं करते, लेकिन वो हमने इंक्लूड किए। और फिर कुछ डिलीवरी जैसे एग्रीगेटर्स हैं, उस वक्त करीम चल रहा था, फूड पैंडा ने मतलब हमें समझे बहुत हेल्प की ड्यूरिंग आवर टफ टाइम। ऑनलाइन सेल्स बिल्कुल हमारा। फिर समझे डिफरेंट फूड ग्रुप्स हैं फेसबुक पे, कराची फूड डायरी है, वहाँ से हमें काफ़ी अच्छा, क्योंकि डिफेंस बेस था हमारा, तो कराची फूड डायरी में डिफेंस की काफ़ी कम्युनिटी है, तो वहाँ से हमें काफ़ी अच्छा बूस्ट मिला। लोगों ने वहाँ पे रिव्यूज़ डालना शुरू किए हमारे रोल्स के, तो पीपल वर लुकिंग फॉर अ डिफरेंट ऑप्शन फॉर रोल। रोल ऐसा आइटम है हर कोई ट्राई करता है, एक दफ़ा तो हर कोई ट्राई करता है। और डिलीवरी के केस में हल्का फुल्का, तो दैट इज़ हाउ एग्जैक्टली वो डिलीवरी फ्रेंडली आइटम है रोल। तो लोगों ने रोल के साथ साथ फिर हमारे दूसरे आइटम्स भी ट्राई करना शुरू किए, दे लाइक द क्वालिटी द टेस्ट एवरीथिंग। फिर समझे हमने तकरीबन 4-5 महीने आई थिंक डिलीवरी चलाई, फिर टेक अवे भी स्टार्ट हो गया था, फिर कार डाइनिंग आया, ये सारी चीज़ें की। फिर आई थिंक आफ्टर 6-7 मंथ्स डाइनिंग वापस रीओपन हुआ, वो भी पहले डाइन आउट ओपन हुआ। वो भी एक समझे बिल्कुल वो हम लोग वी वर लकी ना भाई कि हमारे पास एरिया था वहाँ पे डिफेंस में, सर्विस रोड थी, तो उस वक्त गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया, DHA ने काफ़ी सपोर्ट किया, तो वहाँ पे हमने थोड़ा सा इनोवेशन वहाँ पे लाए, कारपेटिंग कर दी रोड की। अपना फर्नीचर लोग क्या कर रहे थे, प्लास्टिक का फर्नीचर बाहर रख रहे थे, हमने क्या किया, हमने अपना यही वुडन फर्नीचर बाहर रख दिया। हमने कहा लोगों से हम पैसे तो वही ले रहे हैं जो अंदर बैठने के ले रहे हैं, तो why not give them something better? Good experience. तो वो एक पूरी जर्नी थी। So what were your learnings throughout this specific this time period? अब be ready for मैं आपको बता रहा हूँ ना, मतलब हर चीज के लिए you have to be prepared for anything and everything in the food industry. सुबह उठ के कुछ भी हो सकता है, कभी आपका DHA से मसला हो सकता है, कभी आपका यार एवरीडे चैलेंजेस देखें आपके, एक तो स्टार्टिंग फ्रॉम द नेबरहुड वो आपका बड़ा डिस्टर्ब होता है, क्योंकि हमारा काम होता है एग्जॉस्ट का, धुआं निकलता है, वो एक इशू होता है। फिर DHA या लेट्स से कराची में कहीं पे भी गैस अवेलेबल नहीं होती, तो ऑल द रेस्टोरेंट्स हैव टू ऑपरेट ऑन द सिलेंडर। अब वो भी एक समझे इशू है कि DHA या CBC या यहाँ पे आप कह लें इस एरिया में KMC DMC ये सारे ऑपरेट करते हैं, तो वो
कभी कभार उनका मूड होता है कि आज हमने सिलेंडर उठाने हैं, तो हमारा तो समझे पूरा किचन बंद हो जाता है। तो बहुत ऐसे इश्यूज आते हैं, समझे कोई कस्टमर ऐसा आ जाता है, कोई नेगेटिव फीडबैक आ जाता है, उसको डील करना। तो हम लोग क्योंकि कोई ऐसी चैलेंजिंग स्टोरी याद है? चैलेंजिंग स्टोरी तो आई थिंक मेरे तो एवरीडे चैलेंजेस हैं, आई नो दैट। हमारा चैलेंजेस तो देखें एवरीडे हैं। आज सिलेंडर उड़ गया, आज एग्जॉस्ट बंद हो गया, आज लेबर आगे पीछे हो गए, ये चीज़ें तो हैं। लेकिन द बिगेस्ट चैलेंज दैट वी हैव फेस्ड आज तक, आई वुड से कि हमारा टीपू सुल्तान ब्रांच पे आई थिंक 6-7 मंथ्स बैक देयर वाज अ मॉब अटैक। एक बड़ी इट वेंट वायरल ऑल ओवर द न्यूज चैनल, एंड मतलब यूएस, सऊदीया, मुझे हर जगह से कॉल आ रही थी विद इन एन आवर्स के वॉइस नोट। और आजकल सोशल मीडिया है तो काफ़ी वो फैल गया था। एक पूरा एक बेसिकली मॉब था, दे अटैक्ड आवर रेस्टोरेंट। लकीली उस वक्त कस्टमर्स कम थे और बचत हो गई हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो एक ऐसा इशू था कि हमारा समझे इतनी मेहनत से हमने एक चीज़ बनाई, अपने सामने देखा कि लोग मतलब वो उनके लिए तो एक खेल था, वो आके बस पत्थर फेंक रहे थे या जो भी था, तो वो एक डील करना था। फिर पुलिस और मीडिया, एवरीवन वाज इन्वॉल्व। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मतलब बिकॉज ऑफ द सॉलिड टीम दैट वी हैव, वी वर बैक इन ऑपरेशन द वेरी नेक्स्ट डे। But also checking the other side of the coin, शीशे तो टूट गए, वो नुकसान हो गया, but the marketing you got, marketing काफी लोगों ने मुझे call करके ये भी कहा कि यार अब basically lighter side यही थी कि अब आप जो हो गया वो तो हो गया, see yourself on Jio, see yourself on Jio, exactly, हाँ basically मतलब dawn covered us, all the social media, आज तक मतलब TikTok पे videos चल रही हैं, वो एक समझे अच्छी side भी है, बुरी side भी है। तो बात यह है कि आप जो भी बेसिकली आपके आगे चैलेंज आए, आपको उसको फेस करना है और उसमें से अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। दैट इज व्हाट द रियल हसल इज बेसिकली। एब्सोल्युटली। सो टेल मी, अब तक की जर्नी, नॉट जस्ट संगीत, थ्रू आउट द जर्नी, व्हाट आर द फेलियर्स? टेल मी अबाउट फेलियर्स। ये बनाना चाह नहीं चला। फेलियर्स देखें, स्टार्टिंग फ्रॉम मतलब जब अंगीठी फॉर्म भी नहीं हुआ था, मैंने आपको बताया हमने एक चाइनीज रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट था, दैट फेल्ड टेरिबली। हमने 2-3 महीने शेफ को पैसे दिए, अपना टाइम दिया, वो हमने बिल्कुल बंद कर दिया, साइड पे कर दिया। फिर काफ़ी समझे लर्न हम खुद भी करते गए कि पहला किचन हमने जैसे डिज़ाइन किया था काफ़ी क्रैम जगह थी, वो वहाँ पर काफ़ी चैलेंजेस आए। एग्जॉस्ट एक नई चीज़ थी हमारे लिए, ऑपरेट करना, सारा टेक्निकल एस्पेक्ट उसका समझना। मतलब ऐसा हुआ है हमारे साथ कि पीक ईद का दिन है, रात का रश लगा हुआ है यहाँ पे और एग्जॉस्ट बंद हो गया। अब ये ऐसी चीज़ है कि टेक्निकल चीज़ है, जो कभी भी हो सकती है। तो उससे हमने ये सीखा कि यार वी नीड टू हैव अ बैकअप प्लान, हमारे पास बंदे होने चाहिए, हमारे टेक्नीशियंस होने चाहिए ऑन बोर्ड, इन हाउस होने चाहिए कि संडे को अगर रात 9 बजे भी बंद हो जाए सिस्टम तो दे शुड बी अवेलेबल। तो इस तरह के काफ़ी चैलेंजेस थे। फिर एक मैं आपको स्टोरी बताऊं कि मतलब इट्स अ फुल टाइम जॉब ना, आप मतलब किसी वक्त भी ये नहीं होता कि आपको कॉल ना आए किसी कस्टमर की या ब्रांच से। अब मैं समझे निकला पूरे दिन बाद, रात 9-10 बजे हम लोग ऑफिस से निकलते हैं, तो अब मैं फैमिली के साथ ड्राइव पे हूँ, मुझे कॉल आई कि एक अननोन नंबर था, उसने कहा आप अंगीठी के ओनर बात कर रहे हैं? मैंने कहा जी बात कर रहा हूँ। तो उसने कहा आपके बंदे ने मेरी गाड़ी मार दी है। मैंने कहा अच्छा, किस ब्रांच पे? उसने कहा DHA ब्रांच पे। अब मैंने सोचा कि यार DHA ब्रांच पे तो हमारा वैले भी नहीं है, तो गाड़ी उसने कैसे मार दी है? तो अ वेटर वो स्टैंडिंग आउटसाइड, उसने बस कस्टमर से थोड़ी सी टिप के चक्कर में उसने कहा गाड़ी सर मैं पार्क कर देता हूँ, और वो उसने क्रैश कर दी। पोल सामने ही था, इट वाज अ न्यू फॉर्च्यूनर, और बंदे ने मुझे कहा कि भाई अब ये तो अंगीठी का यूनिफॉर्म इसने पहना हुआ है, अंगीठी बनवा के देगा। तो ये भी इशूज आते हैं, बनवा के ऑब्वियसली।
क्योंकि मैंने आपको बट यू टुक द ओनरशिप ऑफ फॉर योर एग्जैक्टली वी हैव टू मतलब ये तो देखें वी कांट बैक आउट और वो ऑब्वियसली दीस आर द फेलियर्स कुछ गलतियां आपकी अपनी कि यार ड्यूरिंग द प्रोसेस मैंने ये गलत डिसीजन लिया डिसीजन मेकिंग में भी हो सकती है इसमें आपकी आपको मैं समझाऊं तो काफी प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं हम ले आते हैं इंट्रोड्यूस करते हैं उसके पीछे काफी मेहनत करते हैं लेकिन हमें 3 महीने बाद रियलाइज होता है कि ये यार बिल्कुल ही गलत प्रोडक्ट था फॉर दिस मार्केट वो उस पर हम काफ़ी टाइम इन्वेस्ट करते हैं मॉनेटरी टर्म्स में इन्वेस्ट करते हैं वो एक इस तरह के इश्यूज आते हैं फिर तो डिसीजन आपका याद है आपको कि यार ये गलत हो गया डिसीजंस काफ़ी गलत होते हैं देखें वो आपको मैं किस तरह से ऐसे कोई डिसीजन मुझे टॉप ऑफ माय माइंड कोई ऐसा डिसीजन नहीं है लेकिन मतलब मैं आपको बताऊं तो रोज़ गलतियां होती हैं गलत बंदा हायर कर दिया हायरिंग में हो सकती है मतलब आपने स्टार्टिंग फ्रॉम आल्सो अब आपने हायरिंग पे बात की है सो आई टच दिस पॉइंट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल हम शेफ्स पे बात कर रहे थे मेंटेनिंग द सेम टेस्ट इन ओवरऑल अदर ब्रांचेस एज वेल और व्हाट इफ आपने कहा मेरी बड़ी ट्रस्टवर्दी टीम है शेफ्स भी मेरे बड़े पुराने हैं व्हाट इफ दे रिजाइन व्हाट इफ वो शेफ्स ना हो फिर कोई और आए सो हाउ डू यू मेंटेन द टेस्ट देखिए इट्स अ प्रोसेस ये मैं आपको पूरा समझाता हूं कि इसमें हमने बेसिकली क्योंकि हमारा सबवे का एक बैकग्राउंड था तो सबवे ने हमें शुरू से सिखाया है कि स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आप सबवे यहाँ खाएं या ऑस्ट्रेलिया में खाएं या यूएस में खाएं आपको सेम मिलेगा तो ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट हमारा था कि बंदों पे रिलाय कम करना है और अपनी आपके पास रेसिपी सॉलिड होनी चाहिए वहाँ से फिर हमने प्रोसेस स्टार्ट किया कि हमारे पास क्योंकि बंदे तो पुराने हमारे पास ऑलरेडी चल रहे थे मेरे पास कैफेटेरिया में भी चल रहे थे एक हमारा छोटा एक रेस्टोरेंट भी था स्पाइसी चिकन जो मेरे बड़े भाई रन करते थे उसके भी हमारे पास स्टाफ था तो स्टाफ तो हमारे पास बहुत पुराना लॉयल स्टाफ था और प्लस फिर हम लोग खुद भी यंग हैं तो हम लोग उनसे जो कम्युनिकेट करते हैं वो उसी लेवल पे करते हैं तो काफ़ी लोगों से तो हमारा ऐसे है बिल्कुल वो समझे दोस्तों वाला भी एक फैक्टर आ जाता है तो इस तरह से हमने इनिशियल जो था ये लोग बिल्कुल देसी शेफ्स थे इनका वो हाथ के मसाले डालते थे तो उस पर कंसिस्टेंसी नहीं आ सकती, नहीं आ सकती तो पहले तो इनको हमने समझाया कि हमारा अल्टीमेट विजन क्या है अंगीठी को लेके यहाँ तक हम पहुँचना चाहते हैं हम ग्रो करेंगे तो आप भी ग्रो करोगे एक जर्नी है दोनों ने साथ गुजारनी है तो वो फिर उनको समझ आई फिर हम इनको छोटे छोटे वेस्ट स्केल इनको ला के दिए वहाँ से हमने इनको फॉर एग्जांपल एक चिकन कढ़ाई है ठीक है तो उसका हमने एक सेट रेसिपी बना दी जो कि हमारे पास है और हमारे समझे कोर स्टाफ जो मेरे हेड शेफ्स हैं उनके पास है तो उसको हमने फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें हम काफ़ी मिस्टेक्स की सीखा पहला जो हमारा ट्रायल था बिफोर अंगीठी स्टार्टेड मतलब बिल्कुल इट वेंट वर्स लोगों ने कहा था नहीं खोलो गलती कर रहे हो ऐसा था टेस्ट के लिहाज से क्वालिटी के लिहाज से तो वहाँ से फिर हमने ये प्रोसेस स्टार्ट किया कि इनको मसाले हमने कहा कि यार कंसिस्टेंसी लानी है कि आज हम एक टिक्का जो बना रहे हैं अगले दिन भी वो बने एक साल बाद भी वो बने तो इसके लिए भी जो आप प्रोडक्ट्स बनाते थे वो आप कॉलेज में टेस्ट कराते थे बच्चों को नहीं ये बेसिकली हमारा क्योंकि ऑलरेडी एक चल रहा था जैसे मैंने आपको बताया मेरे भाई का सेटअप चल रहा था स्पाइसी चिकन का और कैंटीन में भी हम ऑलरेडी कैफेटेरियाज में बारबेक्यू चल रहा था तो और हम लोग खुद भी काफ़ी अरसे से यही टेस्ट खा रहे थे तो हमें पता था टेस्ट वाइज सॉलिड है लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है तो कैसे बिल्ड की कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी फिर हमने उनको छोटे छोटे पैकेट्स पे आए पहले समझे एक एक किलो पे हमने मसाला लगा के ट्रायल एंड एरर किया फिर उसको जो सेट हो गया उसको 5 किलो पे लाए फिर 10 किलोस पे फिर जैसे जैसे क्वांटिटीज बढ़ती गई अब हमने फिर बेसिकली एक फर्दर इन्वेस्टमेंट की हमने एक समझे वेयर हाउसिंग पे गए एक कॉमिस्ट्री मॉडल है जहाँ पे एक सेंट्रलाइज हमारी परचेज है वहीं पे समझे हमारा जो भी प्रोक्योरमेंट होती है वहाँ पे आती है वहाँ पे वॉशिंग कटिंग मसाला वहीं पे लगता है ठीक है फिर वहीं से हमारी सारी ब्रांचेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है ओके तो एक तो हमने एस्पेक्ट इस तरह से कवर कर लिया कि मसाला जो है दोनों ब्रांचेज या कल को हमारी अब तीसरी ब्रांच भी बन रही है तो तीनों जगह पे सेम टेस्ट रहेगा आप
चाहे मखनी हांडी DHE पे खाएं या टीपू सुल्तान या नॉर्थ पे खाएं, वो आपको सेम मिलेगी। फिर उसके बाद आ जाता है ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट जो किचन में आ जाती है, जब ब्रांच पे आ जाता है तो फिर वो भी एक समझे बड़ा एक ट्रेनिंग वाला टाइम ड्यूरेशन काफ़ी लगता है उसमें। हाँ। समझे एक नया बंदा भी आता है तो वो एटलीस्ट 7 से 8 महीने किचन में हमारे लगाता है। हाँ। तो उसको वो टेस्ट और वो रेसिपी समझ आती है। तो अभी पुराने शेफ से चल रहे हैं हमारी बिल्कुल समझे जो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर लकी इन दिस वे कि हमारे जो स्टार्टिंग में जो कोर टीम थी वो आज तक हमारे साथ है। okay. और अब वो ग्रो करते गए हैं, वो समझे सीनियर शेफ्स बन गए हैं, उनके अंडर टीम्स आ गई हैं। तो हमारा समझे जो बारबेक्यू के हेड हैं उनके अंडर अराउंड 20 to 25 स्टाफ है डिफरेंट लोकेशंस पे। इसी तरह हमारे कढ़ाई और देसी आइटम्स के शेफ हैं। फिर अब हमारा प्लान है फास्ट फूड को इंट्रोड्यूस करने का। okay. तो उस पर भी अब साथ साथ नई चीज़ों पे हम लोग वर्किंग करते रहते हैं और इनोवेशन यही होता है कि हमारा टारगेट है कि हर महीने एक नया आइटम हमने लाना है, ये हमने अपने शेफ्स को बोला हुआ है। अच्छा, okay. और हम तीनों पार्टनर्स खुद भी फुली इन्वॉल्व होते हैं इसमें, मतलब प्रोक्योरमेंट से ले कर पैकेजिंग तक मार्केटिंग तक सारी चीज़ें गोज थ्रू अस। इसमें ये नहीं है कि हमने बंदे रखे हुए हैं वो चीज़ें डन कर दें और वो कर दें। अच्छा, okay. तो हमने हर चीज़ समझे इट गोज थ्रू अस। टीम रखी हुई है जो कि सारे चीज़ें देखती हैं ऑब्वियसली, लेकिन क्योंकि ब्रांड हमारा है, मतलब हम इसको ट्रीट करते हैं एज अ बेबी, तो इसको हमने बड़े प्यार से बनाया है और हम नहीं चाहते कि कोई भी इसको ऑब्वियसली किसी तरह से भी नुकसान पहुँचाए। तो इसको हम बड़ा ख्याल से रखते हैं और सारी चीज़ों पे खुद कोशिश करते हैं कि ग्रिप रहे हमारी। इंटरेस्टिंग। सो व्हाइल क्लोजिंग द इंटरव्यू आई वुड वांट यू टू टच ऑन फ्यू पॉइंट्स जो यंग एंटरप्रेन्योर्स आपको देख रहे हैं, ये जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं कर कर चुके हैं, उनके लिए एडवाइस। आई थिंक रन अ सक्सेसफुल बिजनेस। देखिए सक्सेसफुल बिजनेस तो पहले तो बिजनेस स्टार्ट करें, सक्सेस तो देखें विद टाइम आती है, फेलियर सक्सेस विद टाइम आती है। फेलियर से आप डरे नहीं, बिल्कुल रिस्क लें। मैंने जब स्टार्ट किया था मेरी फैमिली ने मुझे बहुत समझे काफ़ी लोगों ने रोका था इस फील्ड में आने से कि रिस्की फील्ड है, पैसा डूब जाता है और इस तरह की काफ़ी लोगों ने मुझे बातें बोली थी। लेकिन आपको अपना विजन क्लियर होना चाहिए, एक प्रोसेस पे ट्रस्ट करें, ये ना हो कि आप रातों रात मिलियनेयर बन जाएंगे या बिलियनेयर बन जाएंगे या सक्सेस मिल जाएगी आपको। तो जस्ट फॉलो द प्रोसेस, ऑनेस्ट रहें अपने काम से, अपने स्टाफ के साथ, आई थिंक सक्सेस विल कम योर वे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच मोहसिन, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू फॉर हैविंग अस।